हिमाचल प्रदेश में अब जल्द ही लोक निर्माण विभाग में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा, जिससे विभाग के कार्यों में कोई विलंब ना हो सके। जी हां, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। इस मामले को मुख्यमंत्री से बात कर कैबिनेट में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग में रुकी पड़ी पदोन्नति भी दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। अच्छा कार्य करवाया जा रहा है अलग अलग हेड्स के माध्यम से, चाहे हमारा पीएम जेएसवाई है, सीआरएफ है और नबार्ड है, उसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पे सड़कों का निर्माण हो रहा है। यहाँ का भूतनाथ ब्रिज है, इसकी काफ़ी बहुचर्चित ब्रिज है, उसका भी मेरे जहन में वो मसला स्थानीय लोगों ने लाया था, स्थानीय विधायक सुंदर ठाकुर जी ने लाया था, तो उसका भी मैं रिव्यू करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। और उसमें भी काफ़ी समय से ये मामला लंबित पड़ा है, उसमें जो कई हमारे टेक्निकल ऑब्जर्वर्स है वो उसको देखने के लिए ENC की अध्यक्षता में एक बैठक जो है वो 4 फरवरी को रखी गई है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुल्लू जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत नई 17 सड़कों के विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें से 15 कार्य प्रगति पर है। इसके लिए 65 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। आप पाएं अपने हिमाचल की खबरें और न्यूज अपडेट्स व्हाट्सएप पर। लोकल लाइव हिमाचल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करें। न्यूज अपडेट अपने व्हाट्सएप पर।